किसानों ने संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया है और सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि संशोधन नहीं, कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, कानून वापस लेना ही होगा। किसान नेताओं का इस पर कहना है, सरकार जिद पर अड़ी तो हम भी जिद पर हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें संशोधन की वो बातें थी जिनको किसान संगठन नेता आपत्ति के तौर पर इससे पहले दर्ज करा चुके थे और अब उन सभी सुधारों के साथ एक नए प्रस्ताव को किसान संगठन नेताओं के पास सरकार ने भेजा है, लेकिन अब उस प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। संगठन नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार के जो प्रस्ताव है वो उसको ठुकराते हैं, संशोधन नहीं, कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, कानून वापस लेना ही होगा, किसान नेताओं का ये कहना है। वहीं ये भी कहा गया कि सरकार जिद पर अड़ी है तो हम भी जिद पर हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा, जैसा कि लगातार हम आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव जो कि सरकार की तरफ से भेजा गया है जिसमें संशोधन जिन विषयों को लेकर इन कानूनों में आपत्तियां संगठन नेताओं ने दर्ज की थी उन सभी में सुधार के साथ लिखित तौर पर यह प्रस्ताव दिया गया और अब ऐसे में किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि संशोधन नहीं, कृषि कानूनों को सरकार को वापस देना होगा, कानून वापस लेना ही एकमात्र इस पर जो फैसला है वो किसानों का है और इस पर वो अडिग हैं। सरकार अगर जिद पर है तो किसान भी पूरी तरीके से इस पर जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा है तो ये लगातार बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे जुड़ी हर एक हलचल, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसान संगठन नेताओं को भेजा गया था उसकी ये प्रति आप देख रहे थे, उसकी कॉपी आप देख रहे थे जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर के, चाहे वो एमएसपी लिखित तौर पर दिए जाने की बात हो, चाहे जो ओपन मंडी सिस्टम जो शुरू करने की बात थी उसमें टैक्स की बात हो, क्योंकि व्यापारियों पर जो भी कोई अगर इसमें व्यापारी खरीदार आता है तो ये एक शिकायत थी, एक आपत्ति थी कि उसमें उनके ऊपर कर नहीं होगा, उस मंडी में कोई भी टैक्स नहीं होगा तो सरकारी जो मंडियां चल रही हैं वो इससे प्रभावित होंगी, वहां पर कोई भी फसल किसान बेचने के लिए नहीं आएगा, तो ऐसे धीरे धीरे ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और इसीलिए अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जो खुली मंडियां थी, जो ओपन मंडियां थी, उसमें भी जो व्यापारी है उसके ऊपर टैक्स लगाया है, किसान को इसमें टैक्स फ्री रखा गया है, किसान को टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो व्यापारी आएगा वहां पर किसान से फसल खरीदने उस पर टैक्स की बात यहां पर सामने आ रही है। तो ये फिलहाल कुछ जानकारियां हैं जो कि संशोधन के जरिए सरकार ने नेताओं के समक्ष तक पहुंचाई हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से किसान संगठन नेताओं ने ठुकरा दिया है ये कहते हुए कि तीन कृषि कानूनों को रद्द के बिना सहमति नहीं बन सकती है। और यहां आपको बता दें कि संशोधनों के अंदर कई और भी चीजें हैं, जैसे बिजली विषय को लेकर के यहां पर जरूर कहा जा रहा था और साथ ही साथ पराली का एक विषय जरूर किसान संगठन नेताओं ने उठाया था, उसको भी सरकार पूरी तरीके से संशोधित करने के मूड में है, सरकार की तरफ से उस पर भी जरूर विचार किया गया और उसमें संशोधन किया गया है, लेकिन इसमें कई और भी चीजें हैं जिसको शामिल किया गया है। आप क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि अगर आप सीधे सीधे अगर किसी भी तरीके से आप किसान से कोई फसल खरीदता है व्यापारी, अगर किसी भी तरीके से नुकसान होता है किसी भी किसान को तो वो एसडीएम के पास तक जा सकता है, लेकिन अब ये प्रावधान किया गया है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि किसानों को अब छूट दी गई है कि वो एसडीएम के पास तक नहीं बल्कि वो अब कोर्ट का दरवाजा भी इसमें खटखटा सकते हैं। और इसमें एक कमेटी बनाने की भी यहां पर बात रखी गई है जो कि बकायदा ये मॉनिटर करेगी कि कितनी फसल वहां पर खरीदी गई है, बेची गई है और कहीं भी अगर इसमें व्यवधान आता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसमें एक तरीके से प्रावधान की बात यहां पर जरूर कही जा रही है कि किसान को अगर कहीं भी परेशानी होगी तो जल्द से जल्द उन परेशानियों का समाधान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा इस बीच हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। दिलबाग सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि कृषि कानूनों में सुधार के साथ संशोधित प्रस्ताव आपके सामने भेजा गया है, उसको लेकर के स्टैंड क्या है अब किसान नेताओं का? हेलो जी दिलबाग जी,
हाँ जी, ऐसा है, किसान नेताओं का स्टैंड ये है कि किसान नेता अब तस से मस नहीं हो रहे, ये कह रहे हैं कि भी हम तो तीनों के तीनों रद्द करा के छोड़ देंगे, हाँ में और ना में बात है। और सरकार कह रही है कि भी आप बीच का रास्ता अपना लें जी, कुछ संशोधन इसमें किया जाए। हाँ। लेकिन अभी तक कोई बात ऐसी सही तरीके से बन नहीं पा रही, क्योंकि सरकार जो है वो बरगला रही है, टालना चाह रही, धीरे धीरे करके इस आंदोलन को तोड़ना चाह रही है। तो ऐसे भी कुछ संगठन हैं जो संशोधन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता रहे हैं, ये भी जानकारी थी? हाँ जी, मैं सुन नहीं रहा, आवाज नहीं दिलबाग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं, मेरा सवाल सर ये है कि संशोधन प्रस्ताव पर कुछ संगठन ऐसे भी हैं, किसान संगठन नेता कुछ ऐसे भी हैं जो कि इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि अगर संशोधन कर दिया जाए तो ठीक है, इस पर सहमति उनकी है, वो कह रहे हैं कि ठीक है। उसमें कुछ ऐसे नेता हैं जी, वो जी कुछ तो सरकार के ही हैं, उसमें कुछ तो सरकार के ही हैं, वो चाह रहे हैं इस प्रकार की चीज। और जो हमारे सही प्रकार के बढ़िया जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल तीनों के तीनों कानून, काले कानून जो है, फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीनों के तीनों रद्द किए जाए। लेकिन कुछ लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन दिलबाग जी, कारण क्या है? जब असल मायने में फायदा होना चाहिए किसान को और आपत्तियां दर्ज कराई गई आपके संगठन के द्वारा सरकार के सामने, उसका बकायदा एक ड्राफ्ट दिया गया था आप लोगों के द्वारा कि जो जो आपत्तियां आपको इन तीन कृषि कानूनों के अंदर नजर आती हैं उन सभी चीजों में सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए प्रस्ताव पेश किया गया, तो क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जाए? आपत्तियां क्या है फिर? अब जब आपकी बातों को मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, इसमें सर ऐसा है कि गौरव जी, आप, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जी, केवल आपत्तियां ही कर रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। लिखित तौर पर दे दिया सर, प्रस्ताव आपको दिया है, लिखित तौर पर दिया है, किस दूर नहीं करेंगे। जैसे एमएसपी का कानून है, ये कानून लिखित रूप में कानून बना दिया जाए, ये कानून के रूप में बने तब बात बने ना, ये तो सिर्फ आपत्तियां दूर करने वाली बात कर रहे हैं। दिलबाग सिंह जी, आज जो प्रस्ताव दिया गया है वो लिखित तौर पर ही तो दिया गया है? नहीं, मेरी बात सुनो, उसमें क्या है कि थोड़ी मोटी फिर भी इसमें इनको डर लग रहा है, किसानों को, किसानों को जो नेता है उनको डर लग रहा है इस बात का। सर, लिखित तौर पर अगर आश्वासन दिया जा रहा है, बातचीत के जरिए नहीं, लिखित तौर पर ना, यही तो खतरा है ना, यही तो डर है बस। अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं लिखित तौर पर, सरकार एक बार फिर से जो क्वेरी है, जो आपकी आशंकाएं हैं, अगर उनको दूर करती है तो क्या बातचीत नहीं बननी चाहिए? नहीं, देखो, जो शंकाए हैं अच्छे तरीके, सही तरीके से, एक साफ सुथरी बात जिसमें कोई लाग लपेट ना हो। सर, इसमें प्रस्ताव भेजा गया है, इसमें लाग लपेट क्या है? सरकार ने, आपने जो संशोधन चाहते थे, आप जो बदलाव करवाना चाहते थे, आपकी उन बातों को आधार बना करके संशोधन सरकार ने किया। आप बार बार ये मांग कर रहे थे कि लिखित तौर पर दिया जाना चाहिए, बातचीत लिखित तौर पर होनी चाहिए, तो लिखित तौर पर ही ये संशोधित प्रस्ताव दिया गया, तो अब इसमें आपत्ति कहां पर है? देखिए, ये ऐसा है कि ये तो अब किसान जो है वो ये करे, अब भी दिया तो है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं मन में, इनकी आशंका है इस प्रकार की कि सही तरीके से फिर भी ये नहीं करेंगे। सर, अगर कानून जो अंदर है ना, सर, लिखित तौर पर अगर ये दिया गया है तो उसके बाद कानून तो बनेगा ना? प्रस्ताव अगर दिया गया है तो उस पर कानून बने, हाँ, और अप्रूवल होगा। सर, आप सहमति, अगर आप रजामंदी जताएंगे तभी तो आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा। दिलबाग सिंह जी, अगर ये प्रोसेस किसान संगठन नेता इस पर अपनी सहमति जताते हैं तभी तो सरकार आगे प्रपोजल करेगी, संशोधन को वहां पर अप्रूव करवाएगी। जब तक आप इससे सहमत नहीं होंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेगी? अगर सरकार ने ये अप्रूव करवा दिया, ये अगर दोबारा से संशोधन हो गया और आप फिर से कहने लगे कि नहीं इसमें तो ये आपत्तियां हैं, तो इसीलिए तो आपके पास भेजा है ना कि आपकी सहमति होना भी जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है ना। मैं बल्कि आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी यहाँ एक किसी जरूरी मैटर में थे और सारी आवाज जो है ना आपकी साफ तरीके से नहीं आ रही, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन आपने वो मेरी समझ नहीं पाए बात। चलिए ठीक है दिलबाग जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालांकि सहमति के जरिए कितनी बात आगे बढ़ पाती है, और संशोधन का जो प्रस्ताव दिया गया है आखिर उसको ठुकराने का आधार क्या है, जरा वो भी तो आप यहाँ समझना चाहिए। आम लोग, जो आम किसान यहाँ पर आंदोलन और धरना स्थल पर मौजूद है, आंदोलन कर रहे हैं, तो कारण क्या है जरा वो भी तो साफ हो, और कानून वापस लेना होगा इस बात को बताते हुए किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि सरकार अगर जिद पर अड़ी है, वही एक बात सीधे सीधे कह रहे हैं कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए।